नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होने वाले 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता के टॉर्च रिले बैटन का गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया भव्य स्वागत। कहा, पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारतीय दल करेंगे गौरवान्वित। एक शातिर चोर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोटरसाइकिल व चोरी का 12 मोबाइल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। बेतियाहाता चौराहे को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले डॉक्टर अमित गोयल को एडीजी जोन अखिल कुमार बैंड बाजा लेकर पहुंचे उनके घर। माला पहनाकर किया सम्मानित। कहा, सभी सम्मानित नागरिक अपने घर के चौराहों को गोद लेकर लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। कैमरों से अपराध पर लगेगा लगाम। बरसात के पानी को निकालने के लिए जीडीए के द्वारा खरीदा गया वाटर सक्शन पंप ट्रक। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बरसात के समय हुए जल जमाव के पानी को वाटर सक्शन पंप ट्रक से जाएगा निकाला। कॉलोनियों में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। नव नियुक्त सीडीओ संजय कुमार मीणा ने पदभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करवाना होगा उनकी पहली प्राथमिकता। दुष्कर्म कर पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी के आरोप में वांछित एक अभियुक्त विजीत सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने बेतियाहाता चौराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे दोपहिया वाहन चालकों का किया चालान। नाबालिग के अपहरण के आरोप में वांछित एक अभियुक्त नीरज गौड़ को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 5 दिनों तक जनपद में गरज के साथ होगी छिटपुट वर्षा। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, वज्रपात से बचाव के लिए मोबाइल में डाउनलोड करें दामिनी ऐप। 15 मिनट पहले मिलेगा जनपद में कहां होगा वज्रपात की सूचना। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, जिसमें शतरंज के खेल को बढ़ावा देने तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए टॉर्च रिले बैटन का आयोजन चल रहा है। जो टॉर्च रिले बैटन भारत के सभी 36 राज्यों के 75 जिलों से होते हुए 28 जून को गोरखपुर आई, जिसका भव्य स्वागत गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसंधान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से शुरू किया गया। AICF के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार एवं यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य सराहनीय है। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय दल द्वारा पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित करेंगे, जिसके लिए सभी को मैं शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं AICF के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कहा, साथ में है क्या?
आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन, ताकि श्री राजेश त्रिपाठी आप सभी के बीच अभिनंदन करते हैं। महेंद्र पाल सिंह जी, साथ ही हमारे सभी अतिथियों का आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत है। आवाज़ दे भारत माता की।
के लिए विशेष अवसर है कि जिस भूमि से चेस का जन्म हुआ वहां पहली बार पूरी दुनिया भर में चेस जहां से पहुंचा है, लेकिन चेस ओलंपियाड करने का पहली बार अवसर मिल रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब खेलों को बढ़ावा देने की शुरुआत की तो आज वो दिन भी आया है कि 44वें चेस ओलंपियाड को कहीं और नहीं भारत में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। शतरंज भारत के लिए कोई नया खेल नहीं है, यह हमारे
दुनिया में छाया हुआ है, भारत के लिए गर्व की बात है, सबके लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए और प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर संजय कपूर उत्तर प्रदेश के पहले से खिलाड़ी हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के अध्यक्षता काल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज यह चेस ओलंपियाड भारत की धरती पर भारत से निकले हुए खेल का यह ओलंपियाड आयोजन हो रहा है। इसके लिए पूरे देश भर के देशवासियों का गर्व है और हमारे लिए हर्ष का विषय हो जाता है जब अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे देश के भीतर एक ओलंपियाड होता हो। यह ओलंपियाड 25 जून से लेकर के 28 ये ओलंपियाड 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में चेन्नई में संपन्न होगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने इस बात का निर्णय किया है कि अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलाकर के उनके 75 जनपदों के भीतर 75 स्थानों पर इस प्रकार के टॉर्च रैली का आयोजन होगा और उसमें से उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जनपदों को होकर के खासतौर पर ये मेरठ से उत्तर प्रदेश में आई थी, मेरठ से आगरा कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से अयोध्या होते हुए आज गोरखपुर के इस पवित्र धरती पर यहाँ पर आई है। यह हमारे लिए गोरखपुर वासियों के लिए और पूरी उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए यह अपने में एक सौभाग्य का विषय है क्योंकि मैं भी इस मंडल का निवासी हूँ और इसलिए मुझे भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कम से कम एक ओलंपिक का अवतार गोरखपुर में हमारे मंडल के भीतर आया। यह अपने में एक सौभाग्य का विषय है। यह आयोजन इसलिए किए जाए जा रहे हैं कि हमारी शतरंज के प्रति हमारी रुचि बढ़े, हम खेल के प्रति हमारी रुचि खड़ी हो और हम खेलने की ओर आगे की ओर तत्पर हो। हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के अंतर्गत 2018 से पूरे देश भर में खेलने का अभियान चलाया और इसका हम लोगों ने ये देखा है कि अभी जो ओलंपिक जापान के भीतर हुआ और उस ओलंपिक में हमारे देश ने लगभग 14 पदक जीत करके लाए जिसमें से एक स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुला करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया और सम्मानित ही नहीं किया, स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और जो टीम जीत करके आई थी उनको 6 करोड़ रुपए का टीम स्प्रिट के लिए उनको प्रदान किया। राज्य के खिलाड़ी जो प्रतिभाग करने के लिए है उनको भी एक अच्छी 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन धनराशि देकर के उन्हें अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित किया और लगभग 46 करोड़ रुपए उस आयोजन पर करके उत्तर प्रदेश के भीतर खेल का वातावरण कैसे खड़ा हो इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय प्रयास है और उसके उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ाया, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के खेलों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जो ओलंपिक के हमारे पदक विजेता है या जो एशियन गेम्स के भीतर है या इंटरनेशनल खेलों में पदक जीत करके लाते हैं उनको आउट ऑफ गर्ड ग्रेजुएट जॉब उनको प्रदान किया जाएगा और खेलों के लिए खिलाड़ियों के लिए 2% विभिन्न प्रकार की नौकरियों में आरक्षण देकर के खेल को प्रोत्साहित किए जाने का काम जो प्रारंभ किया है उसके लिए मैं आज इस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी ओर से अत्यंत धन्यवाद देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ। टॉर्च जो है अपनी रोशनी बिखेरते हुए इसी तरह जो है
देखिए अपने देश के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अमृत महोत्सव वर्ष में शतरंज का चेस ओलंपियाड चेन्नई के भीतर वो आयोजित हो रहा है और इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंद्रप्रस्थ स्टेडियम नई दिल्ली से 17 जून को टार्च चेस ओलंपियाड का टार्च मशाल इंदिरा गांधी स्टेडियम से उन्होंने ये प्रदान किया और ये राज्य देश के 36 राज्यों से में जाने वाली है और अमृत महोत्सव वर्ष में 75 स्थानों से होकर के गुजरेगी। ये शतरंज भारत का अपना एक प्राचीन खेल है और उस खेल का ये सौभाग्य है कि 100 वर्षों के बाद यह ओलंपियाड भारत के को करने का अवसर मिला है और अपने देश के भीतर मिला है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज यह गोरखनाथ की पवित्र धरती पर यहाँ पर आई है। राज्य सरकार की ओर से मैंने इसका स्वागत किया है और ये प्रयास है कि इस टॉर्च रैली से जो मशाल आई हुई है उसके माध्यम से छात्रों और युवकों में एक शतरंज के प्रति जागरूकता पैदा करके और खेल भावना को विकसित किया जाए। हमारा देश की ये परंपरागत खेल है और उसमें उन्हें खेलने में काफ़ी सुविधा होगी और बहुत बड़ी संख्या में हमारे लगभग 136 देशों के खिलाड़ी इस 187 देश आयोजन में शामिल हो रहे हैं और उसके भीतर प्रतिभाग करेंगे। इसमें ए और बी ग्रुप के बालकों और बालिकाओं के हर ग्रुप के भीतर 20-20 ग्रुप बन करके और खेलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में इसका एक प्रतिभाग होगा और हमारे खेल के प्रति जहां अभिरुचि होगी वहीं हमारे नौजवानों को उनकी बुद्धि की प्रखरता बढ़ेगी। मैं इसके आयोजन की सफलता के लिए कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसकी चैंपियनशिप भारत को मिलेगी। ये चेस ओलंपियाड रिले का कार्यक्रम है जिसको आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके प्रोत्साहन से उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने शुरू किया। उन्होंने IGI स्टेडियम से शुरू किया 19 तारीख को, इसको आगे बढ़ा रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी के छांव में और उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में जा रही है टॉर्च चेस की अलग जगाने के लिए और देश में 75 जिलों में जा रही है। राजघाट पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में SVCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को बर्फखाना के पास बैकुंठ धाम से गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान साहिब उर्फ कप्पा पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इसरार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 39 रायगंज उत्तरी थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है जिसके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल 12 चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। SVCT ने बताया कि अभियुक्त राह चलती महिलाओं का मोबाइल छीनकर भाग जाता था जिसको गिरफ्तार कर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा उप निरीक्षक अंजनी कुमार उप निरीक्षक अनूप कुमार मिश्र कांस्टेबल मंगलदीप यादव अश्वनी कुमार कुंदन कुमार दीपक कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SVCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कल राजघाट पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है जिसमें उन्होंने एक छिनेत जो मोटरसाइकिल चोरी कर मोबाइल छिनेती को अंजाम देता था। कल शाम के समय 10 बजे के दौरान इसने एक रायगंज उत्तरी मोहल्ला थाना राजघाट में एक महिला से बैग एवं फोन छीनने का प्रयास किया। महिला की सतर्कता की वजह से वह छिनेत मोबाइल एवं पर्स नहीं छीन सका लेकिन वो भाग गया। उसके बाद में महिला के चिल्लाने पर पास ही खड़े पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत हॉक के माध्यम से पीछा कर उस छिनेत को पकड़ा जिसका नाम साहिब उर्फ कप्पा है।
इसके ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये 10 दिन पहले जेल से छूटा है। इससे 7 मोटरसाइकिल एवं 12 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं। चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ बेचते थे? ये चोरी के मोबाइल एवं मोटरसाइकिल इसके मोहल्ले के लड़के भी हैं इसमें, जिसमें शामिल हैं। दूसरे छिनतों को भी इस तरह बेचता है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य भी कई छिनतों के नाम भी प्रकाश में आ सकते हैं, वही पूछताछ जारी है। ये लोग एक शातिर अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं। इनका काम छिनेती करना, चोरी की मोटरसाइकिल है, उसी की आमदनी से फिर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और जो पुलिस कांस्टेबल दीपक कुशवाहा एवं प्रवीण जो हॉक पे थे, जिनकी तुरंत कार्रवाई की वजह से इस चोर को पकड़ा गया है, इसके लिए SSP महोदय की तरफ से प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम दिया जाएगा। ADG जोन अखिल कुमार ने बेतियाहाता चौराहे को गोद लेकर CCTV कैमरे लगवाने वाले डॉक्टर अमित गोयल को माला पहनाकर बैंड बाजा के साथ सम्मानित किया, जिसके संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा शहर के जो अच्छे नागरिक हैं उनसे अनुरोध किया गया था कि अपने ऑफिस के चौराहों को गोद लें और शहर को सुरक्षित करने के लिए CCTV लगवाएं, जिस पर डॉक्टर अमित ने बेतियाहाता चौराहा को गोद लेने की सहमति दी, जिनका आभार बैंड बाजा के साथ व्यक्त किया गया है, क्योंकि यह काम शहर के नागरिकों का है जो शहर की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि यह शहर आपका भी है, आपके प्रयासों से शहर सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए जिन्होंने शहर की सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। एक हफ्ते के अंदर चौराहे पर डॉक्टर अमित द्वारा कैमरा लगवा दिया जाएगा। उन्होंने जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग अपने घर या ऑफिस के चौराहे को गोद लें, इस तरह का कार्य बहुत ही सराहनीय है। IMA के द्वारा भी पहल की गई है कि वह चौराहों को गोद लेंगे, आगे जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे कोई ना कोई अधिकारी बैंड के साथ जाकर आपको सम्मानित करेगा, जिसके लिए शहर के लिए SP सिटी, ग्रामीण के लिए SP साउथ व SP नॉर्थ के लिए नोडल बनाया गया है, जो कि पूरे जोन में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर शहर से की जा रही है। उन्होंने कहा, जब से चौराहों पर CCTV लगा है लोगों का ट्रैफिक के प्रति अनुशासन बढ़ गया है। लोगों को डर है कि कहीं चालान ना हो जाए, क्योंकि CCTV एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है। क्राइम को कंट्रोल करने में लंदन जैसा शहर CCTV से पूरी तरह से लैस है, जिसमें अपराधियों में भी डर रहता है और अपराध पर लगाम लगता है। इस अवसर पर SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, SDM सदर कुलदीप मीणा, CO कैंट श्याम देव बिंद, कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा,
लोगों ने शहर के जो अच्छे नागरिक हैं उनसे अनुरोध किया था कि वो अपने क्षेत्र में, अपने जहां वो निवास करते हैं, जहां वो कार्य करते हैं, उस क्षेत्र के आसपास चौराहों को गोद लें, जहां वो शहर को सुरक्षित करने के लिए CCTV लगवाएं। उस पहल को जैसे ही डॉक्टर अमित को जानकारी मिली और उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव किया कि बेतिहाता चौराहा, जो एक प्रमुख चौराहा है शहर का, उसको उन्होंने गोद लेने के लिए सहमति दी, उन्हीं के लिए हम लोग आभार व्यक्त करने आए हैं डॉक्टर साहब को, क्योंकि ये काम शहर के नागरिकों के लिए है। और एक शहर का नागरिक जो डॉक्टर अमित, जो इसी शहर के बाशिंदे हैं, वो अपने सिटीजन्स के लिए अपने शहर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, और उस अच्छे काम को भी उन्होंने, जो उनका संस्थान है, उसके माध्यम से शहर के लिए एक कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया जिससे शहर सेफ होगा। तो एक मैं कहूँगा ओवरऑल सिटीजन्स ओरिएंटेड है, एक वेलफेयर वर्क है जो शहर के लोगों के लिए एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। चूँकि एक वॉलंटरली उन्होंने एग्री किया, तुरंत एग्री किया, तो उनको हम लोग ने उचित समझाया है, और सभी लोगों को हम सम्मानित करेंगे, वहाँ हम जाएंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे अपने तरीके से, ताकि हम उनके इस नेक काम को रिकग्नाइज़ कर सकें और इसको रोल आउट कर सकें। तो ये बेतिहाता चौराहा को हम लोगों ने डॉक्टर साहब के सहयोग से चिन्हित किया है, और 2 से 3 दिन, 1 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इस मॉडल में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं अपने स्थानीय चौराहे, गली, जो जहां रह रहा है, उसको वो टेकअप करें, और काफ़ी लोगों को हम लोगों को अब अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। बहुत लोग अभी IMA की तरफ से बहुत चौराहे टेकअप किया है, तो जैसे जैसे हम लोगों को प्रस्ताव आते जाएंगे, हम आपको सूचित करते जाएंगे। अलग अलग स्थानों पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी, कभी मैं, कभी DIG, कभी SSP, कभी SP City जाएंगे, और हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। SP City जो गोरखपुर के हैं, वो शहर के अंदर नोडल हैं, और देहात क्षेत्रों में कंसर्न SP नोडल हैं इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। ये प्रोग्राम हम लोगों ने पूरे जोन में लॉन्च किया है, और उसमें हमारा मेन फोकस अभी गोरखपुर शहर पर है, जहाँ हम लोग इसको तेज़ी से रोल आउट कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपने देखा होगा, शहर में जब तक ये ट्रैफिक में CCTV लगे हैं, कैमरा युक्त या कैमरा एडेड ट्रैफिक लगी है, गोरखपुर शहर का ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत बढ़ गया है। लोग उसको, जो उनके अंदर कंप्लायंस रेट है, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो CCTV एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली क्राइम डिटेक्शन में और एज ए डिटरेंस। वर्ल्ड ओवर आप जाइए, लंदन जैसा शहर जो है 100% CCTV से कवर्ड है, और इसी कारण है कि प्रमुख कारण है कि अपराधी वहाँ घबराते हैं कुछ भी करने से। हमें यही कोशिश करना है कि हम अपने शहर के सारे प्रमुख गली रास्ते अगर हम कवर कर लें, तो हमारा शहर सेफ हो सकता है। और ये योजना में हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के नागरिकों से योगदान लिया जाए, क्योंकि उनका शहर है, और उनमें से जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं शहर में, वो अपने सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं एक अपने इस माध्यम से। तो एक उनकी पहल है, अच्छी पहल है सभी नागरिकों की, और हम लोग उसी का सम्मान करते हैं। GDA के द्वारा बरसात के पानी को निकालने के लिए 2 वाटर सक्शन पंप ट्रक खरीदा गया, जिसके संबंध में GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जनपद को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए सभी प्रयास किया जाए, जिसको देखते हुए GDA के द्वारा बड़े नालों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जहां लो लैंड है, उसके पानी को निकालने के लिए 5 पंप को खरीदा गया है, जिससे अगर किसी कॉलोनी में पानी लग जाता है तो उसको पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। इसके साथ ही 2 ट्रक खरीदा गया है जिसमें वाटर सक्शन पंप लगा हुआ है, क्योंकि कभी कभी बरसात में पानी निकालने की आवश्यकता होती है, जिसको देखते हुए 2 ट्रक को खरीदा गया है। प्रयास है कि बरसात में जहां कहीं भी जलभराव होगा, GDA पानी निकालने में सक्षम होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा,
किसी के द्वारा कुछ मशीनें पकड़ी गई बरसात पानी डालने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन था हम लोगों को, उनका आदेश था कि जल भराव से मुक्ति के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। इसी संदर्भ में इस बार बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे बहुत सारे नालियों का, इनफैक्ट बड़े बड़े नालों का निर्माण हुआ है, हम सभी ने उसको देखा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लो लाइंग होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसे इस बार हम लोगों ने 5 एक्स्ट्रा पंप का परचेज किया है, पंप की व्यवस्था की है कि ऐसे एरिया जिनका पानी नाले में ना आ पाए या किसी कारण से रुक जाए तो उसको पंप करके हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा है जो वाटर सक्शन पंप उसमें लगा हुआ है, वो ऐसे एरिया जो इमिडिएटली अचानक से अर्जेंसी में कहीं से पानी निकालने की ज़रूरत होती है, जैसे लास्ट टाइम एयरफोर्स पे ज़रूरत पड़ गई थी, इस तरह से कहीं पे भी हो सकती है, उसके लिए हम लोगों ने परचेज़ किया है और इस बार उसका ट्रायल भी हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है कि इस बार जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति होगी तो हम लोग उसको कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। नवनियुक्त CDO संजय कुमार मीणा ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि संजय कुमार मीणा 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनका पहला पोस्टिंग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हमीरपुर के रूप में हुआ था। शासन ने कार्यों को देखते हुए रविवार को संजय कुमार मीणा की पोस्टिंग CDO गोरखपुर में कर दिया, जिसके संबंध में नवनियुक्त CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि CDO का कार्य विकास कार्य करवाना होता है और गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार विकास कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी जनहित के कार्य होंगे प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, बरसात में शासन का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार बंधों की मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा, जिससे गाँव को बाढ़ से बचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, CDO ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है सर, किस तरह से काम करेंगे, तमाम विकास के कार्य यहाँ पे चल रहे हैं? देखिए, जो मुख्य विकास अधिकारी का काम होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जनपद है, तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे और जो भी शासन की मंशा है उसके हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य किया जाएगा और जो भी जनहित के कार्य होंगे उनको प्राथमिकता के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कराया जाएगा। सर, बरसात भी होने वाली, तमाम बंदों का जो पुराने हो चुके हैं उसको भी सर सही करवाना है, किस तरह से निपटा जाएगा बरसात? देखिए, बारिश के टाइम पे जो भी निर्देश होंगे, जो भी उच्च अधिकारियों के निर्देश होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, उनके अनुरूप ही बंधों के निर्माण कार्य का, मरम्मत का कार्य कराया जाएगा ताकि आने वाली बाढ़ से बचाव किया जा सके। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होने वाले 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता के टॉर्च रिले बैटन का गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया भव्य स्वागत। कहा, पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारतीय दल करेंगे गौरवान्वित। एक शातिर चोर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोटरसाइकिल व चोरी का 12 मोबाइल किया बरामद। SPCT ने किया खुलासा। बे
नेतियाहाता चौराहे को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले डॉक्टर अमित गोयल को एडीजी जोन अखिल कुमार बैंड बाजा लेकर पहुंचे उनके घर, माला पहनाकर किया सम्मानित। कहा, सभी सम्मानित नागरिक अपने घर के चौराहों को गोद लेकर लगवाएं सीसीटीवी कैमरा, कैमरों से अपराध पर लगेगा लगाम। बरसात के पानी को निकालने के लिए जीडीए के द्वारा खरीदा गया वाटर सक्शन पंप ट्रक। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बरसात के समय हुए जल जमाव के पानी को वाटर सक्शन पंप ट्रक से जाएगा निकाला, कॉलोनियों में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। नव नियुक्त सीडीओ संजय कुमार मीणा ने पदभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करवाना होगा उनकी पहली प्राथमिकता। दुष्कर्म कर पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी के आरोप में वांछित एक अभियुक्त विजीत सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने बेतियाहाता चौराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे दोपहिया वाहन चालकों का किया चालान। नाबालिग के अपहरण के आरोप में वांछित एक अभियुक्त नीरज गौड़ को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 5 दिनों तक जनपद में गरज के साथ होगी छिटपुट वर्षा। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, वज्रपात से बचाव के लिए मोबाइल में डाउनलोड करें दामिनी ऐप, 15 मिनट पहले मिलेगा जनपद में कहां होगा वज्रपात की सूचना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, 9 सड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को दिव्यनगर कॉलोनी महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 कूड़ाघाट से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजीत सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी नियर ABC स्कूल बसंत विहार कॉलोनी रानी डीहा थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता गर्ल्स हॉस्टल छात्र संघ चौराहा थाना कैंट जनपद गोरखपुर में रहती थी। अक्टूबर 2021 में उसकी मुलाकात विजीत सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी नियर ABC स्कूल बसंत विहार कॉलोनी रानी डीहा गोरखपुर से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई एवं जान पहचान हो गई। चूंकि अभियुक्त विजीत सिंह उपरोक्त को ट्रेंडिंग की जानकारी थी, तो वादी उपरोक्त ने ट्रेडिंग सीखने की इच्छा जाहिर की, जिस पर वो ट्रेडिंग का काम सिखाता था, जिससे वादनी का अभियुक्त के घर आना जाना हो गया। 1 जनवरी 2022 को विजीत वादनी को अपनी बाइक से अपने घर ले गया, वहां कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वादनी अपना होश खो बैठी। इस अवस्था में अभियुक्त विजीत उपरोक्त ने वादनी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। अभियुक्त विजीत ने शादी करने के नाम पर पीड़िता के साथ कई बार संबंध स्थापित किया एवं वादनी के कई हजार रुपए ले लिए। विगत कुछ दिनों से शादी की बात करने पर विजीत सिंह ने वादनी का नंबर ब्लॉक कर दिया। वादनी के द्वारा विजीत के घर वालों से बात करने पर अभियुक्त विजीत पीड़िता को जान से मारने की धमकी एवं फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता था। अभियुक्त विजीत द्वारा पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश शर्मा, जय प्रकाश यादव शामिल रहे। कैंट पुलिस ने SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में बेतिहाता चौराहे पर दोपहिया वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान किया। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर में सभी चौराहों पर CCTV कैमरा लगवा दिया गया है, जिससे अधिकतर लोग अब ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना ही हेलमेट लगाते हैं और ना ही ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, जिसको देखते हुए बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों का चालान किया गया और उनसे हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए कहा गया, क्योंकि हेलमेट ना लगाने से अधिकतर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए जब भी आप घर से वाहन लेकर बाहर निकलिए तो हेलमेट व सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। Thank you.
गोरखपुर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नीरज गौड़ पुत्र रामचेत गौड़ निवासी अवरडार थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल चंदन कुमार चौहान शामिल रहे। जनपद में अगले 5 दिनों तक गरज के साथ छिटपुट वर्षा होगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ जगहों पर तेज हवा चलने के लिए बताया गया है, जिसके मद्देनजर अलग अलग जगहों पर छिटपुट वर्षा हो रही है। कल गोला तहसील में वज्रपात होने से एक महिला की मृत्यु भी हो गई। इस तरह जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा हो रही है। उन्होंने कहा, वज्रपात से जिस किसी की मृत्यु होती है, राज्य आपदा मोचन निधि से 4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा। शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अगर कहीं पर भी ऐसी घटना घटती है तो सभी औपचारिकता पूरी करके तत्काल राहत राशि उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा, वज्रपात से बचने के लिए पेड़ों के नीचे ना जाएं, क्योंकि पेड़ असुरक्षित स्थल है, इसलिए आप किसी मकान के नीचे या टीन सेट के नीचे जाएं। अगर गरज के साथ बरसात हो रही है तो मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि मोबाइल के फ्रिक्वेंसी के कारण भी घटनाएं होती हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि दामिनी ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आपको 15 मिनट के बाद वज्रपात की सूचना मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इसको लेकर क्या आप देख रहे हैं? देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो उसके अनुसार अभी अगले 4-5 दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। एक दो जगहों पे तेज हवा भी चलने की संभावना व्यक्त की गई, जिसके मद्देनज़र अभी जैसे पिछले दिनों से जो छिटपुट वर्षा हो रही है, मतलब अन्य अन्य स्थलों पर वर्षा हो रही है। कल जैसे गोला तहसील के क्षेत्र में वज्रपात की भी घटना हुई, इसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई है। तो इस तरीके से अभी देखा जाए तो मतलब जनपद में और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, लेकिन छुटपुट वर्षा हो रही है। हाँ, उन्हें वो राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत उन्हें उनके जो वारिसान हैं उन्हें 4 लाख रुपए का जो अनुग्रह सहायता है वो हम लोग वितरित कर रहे हैं। तहसील से जैसे ही उनके वारिसान के खाता डिटेल्स वगैरह प्राप्त हो जाएंगे, उसे ही और तहसील द्वारा जो मांग की जाएगी तो तत्काल धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और शासन द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐसी अगर कोई घटना घटित होती है तो उन्हें समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए उनके भुगतान तत्काल कराया जाए। इसके बचने के क्या उपाय हैं? बारिश होने देखिए, ऐसा है ना, प्रायः लोग क्या करते हैं कि पेड़ों के नीचे चले जाते हैं जब वर्षा होती है, तो पेड़ टोटली असुरक्षित स्थल होता है, तो पेड़ के नीचे ना जाएं। किसी जो टीन या किसी शेड के नीचे वो अपने आप को स्टे कर लें, और मोबाइल का प्रयोग तो कतई ना करें जब भी वज्रपात होता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी के कारण भी घटनाएँ सामने आती। इस तरह के कई सारे वीडियोज़ भी लोगों तक पहुँचाए गए हैं, तो ये प्रायः कोशिश करें कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटित हो तो अपने आप को शेड में कर लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ एक दामिनी ऐप है, आप दामिनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। दामिनी ऐप से आपको अगले 15 मिनट तक के अंदर कहाँ कहाँ पे वज्रपात होगी, जहाँ पर आप हैं उसका लोकेशन लेते हुए पूरी सूचना मिल जाती है। तो ये प्रयास करें कि दामिनी ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि आप वज्रपात से सुरक्षित रह सकें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होने वाले 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता के टॉर्च रिले बैटन का गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया भव्य स्वागत। कहा, पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारतीय दल करेंगे गौरवान्वित।
एक शातिर चोर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोटरसाइकिल व चोरी का 12 मोबाइल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। बेतियाहाता चौराहे को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले डॉक्टर अमित गोयल को एडीजी जोन अखिल कुमार बैंड बाजा लेकर पहुंचे उनके घर। माला पहनाकर किया सम्मानित। कहा, सभी सम्मानित नागरिक अपने घर के चौराहों को गोद लेकर लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। कैमरों से अपराध पर लगेगा लगाम। बरसात के पानी को निकालने के लिए जीडीए के द्वारा खरीदा गया वाटर सक्शन पंप ट्रक। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, बरसात के समय हुए जल जमाव के पानी को वाटर सक्शन पंप ट्रक से जाएगा निकाला। कॉलोनियों में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। नव नियुक्त सीडीओ संजय कुमार मीणा ने पदभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करवाना होगा उनकी पहली प्राथमिकता। दुष्कर्म कर पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी के आरोप में वांछित एक अभियुक्त विजीत सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने बेतियाहाता चौराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के चल रहे दोपहिया वाहन चालकों का किया चालान। नाबालिग के अपहरण के आरोप में वांछित एक अभियुक्त नीरज गौड़ को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 5 दिनों तक जनपद में गरज के साथ होगी छिटपुट वर्षा। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, वज्रपात से बचाव के लिए मोबाइल में डाउनलोड करें दामिनी ऐप। 15 मिनट पहले मिलेगा जनपद में कहां होगा वज्रपात की सूचना। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।